तुमने उसको बता दिया। डैड ये क्या है? बेटा ये तुम दोनों की शादी का गिफ्ट है। शादी का गिफ्ट? हाँ, मैंने कुछ प्रॉपर्टी और एक आध बंगला हमजा के नाम कर दिया। अंकल इसकी क्या जरूरत थी? नहीं अंकल, मैं नहीं ले सकता, आपने मुझे घर में पनाह दी थी, यही मेरे लिए काफी है। हमजा क्या हो गया, रख लो ना, डैड इतने प्यार से तुम्हें दे रहे हैं। लेकिन जोया, देखो बेटा, आज से मेरी बेटी का जो कुछ भी है वो तुम्हारा भी है। तुमने अपने वालदैन की गैर मौजूदगी में उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर मेरी बेटी को अपनाया। जब तुम मेरी बेटी के लिए इतना कुछ कर सकते हो तो वो एक बाप होने के नाते मैं अपना फर्ज भी अदा नहीं कर सकता। खुशी से दे रहा हूँ, रख लो बेटा, रख लो। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जीते रहो, तुम दोनों हमेशा खुश और आबाद रहो। हमजा, लेट मी कॉल हिम। वाई इज द नंबर स्विच्ड ऑफ? मॉम डैड से मॉम डैड, वो हमजा रूम में नहीं है और फोन भी बंद आ रहा है उसका। आप लोगों ने देखा है उसे? वो अब वापस नहीं आएगा बेटा। व्हाट? क्या मतलब है आपकी इस बात का? डैड बताए ना मुझे क्या हुआ है। हमजा ने वो अपार्टमेंट बेच दिया जो उसके नाम था, और वो प्रॉपर्टी भी जो उसके नाम ली थी। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? और जो खेल खेला है वो भी बताएं अपनी बेटी को। कल रात तुम्हारे अकाउंट से 5 करोड़ की रकम ट्रांसफर की गई है, अब तुम्हारा अकाउंट भी खाली है। और ये कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमजा है जिसने ये काम किया है। क्या तुमने उसको अपनी अकाउंट डिटेल दी थी? यस यस डैड, बताई थी, लेकिन वो लालची इंसान थोड़ी है, वो ऐसे कैसे कर सकता है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा तो जाओ लेकर आओ उसे। कहाँ है वो? आ जाएगा, आ जाएगा, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकता वो। वो तुम्हारी यकीन की दीवार को पैरों तले रौंदते हुए तुम्हें धोखा देके तुम्हारे सारे पैसे लेके हमेशा हमेशा के लिए चला गया। अब वो वापस कभी नहीं आएगा। क्या कह रही हैं डैड? मॉम क्या कह रही हैं? तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। तुम्हारे अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन हुई है मैंने उस पर इन्वेस्टिगेशन करवाई है। वहां से पता चला कि हमसे इंतहाई शातिर आदमी निकला। ना सिर्फ ये बल्कि वो मुल्क छोड़कर भी भाग गया। डैड ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस इंसान से मैं इतना प्यार करूं वो मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर ले? मुझे यकीन नहीं आ रहा। नहीं, झूठ होगा ये सब, कोई गलत फहमी हुई होगी। प्लीज डैड बताए मुझे, टेल मी कि ये झूठ है, झूठ है ना, ये सब झूठ है ना डैड? काश ये झूठ होता, काश हमजा तुम्हें धोखा ना देता, काश मेरी बेटी इस हाल को ना पहुंचती। I cannot believe this. काश मेरे गुनाह ज्यादा है या तेरी रहमत करीम तू
रजिया की इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं अबरार, और आपकी दीवी तरबियत। आपने सिर्फ जोया को पाला है, उसकी तरबियत कभी भी नहीं की। हर जगह उसे अपनी मनमानी करने दी आपने, उसे गलत और सही में कभी फर्क नहीं बताया, बल्कि कभी कभी तो उसके गलत फैसलों में हामी भरी है आपने। आपने उसे इल्म की रोशनी तो जरूर दी है, मगर उसे बड़ों की इज्जत और अदब कभी नहीं बताया। अबरार, अगर आपके पास अपनी औलाद को पालने के लिए वक्त नहीं हो ना, तो आपकी औलाद को बिगाड़ने के लिए इस माशरे के पास बहुत वक्त। तुमने ठीक कहा रवीना, कसूरवार मैं ही। मैंने अपनी बेटी की असल में तरबियत की ही नहीं, उसे बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाया, न कभी बुरे काम से रोका, उसकी हां में हां मिलाता गया, और तो और यहां तक दिल में यह गुमान कर बैठा कि मैं अपनी बेटी की तकदीर अपने हाथों से लिखूंगा, और यह भूल गया तकदीर लिखने का अख्तियार तो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। जब जिसे चाहे इज्जत और जब जिसे चाहे जिल्लत दे दे। मैं अपने घमंड में बहुत आगे निकल गया, अक्सर बड़े बोल बोलता था, इंसान को इंसान नहीं समझता था। मुझ जैसे इंसान का अंजाम यही होता है। खुदा मुझे माफ कर दे।